नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार राघव स्वागत करता हूं आप सभी का IMS टुडे में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। चुनावी मिशन 2024 की कड़ी तैयारी में जुटी भाजपा, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए बनाया मास्टर प्लान। मिजोरम में 5 निर्दलीय विधायकों ने दिया इस्तीफा, CM जोरबथंगा बोले सरकार के विरुद्ध नहीं मिला कोई मुद्दा। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर NIA की छापेमारी, देश भर में संगठन पर लगा था पिछले साल बैन। हमास आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद दीफ के पिता के घर पर इसराइल की बमबारी, 200 ठिकानों पर हमला, 900 लोगों के मारे जाने की है खबर। BPSC TRE 2023 बिहार शिक्षक भर्ती के परिणाम आज हो सकते हैं घोषित, बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा परिणाम। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 677 पदों पर निकाली भर्तियां, 14 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया बढ़ाएगी प्रोडक्शन पर फोकस, साल 2030-31 तक खर्च करेगी 1.25 लाख करोड़ रुपए। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया, दोनों टीम की ओर से लगे 2 शतक। अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय प्लेइंग 11 में हो सकता है बदलाव, दिल्ली में भिड़ेंगी आज दोनों टीमें। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर यानी 13 अक्टूबर को मिलेगा मात्र 99 रुपए में हॉल टिकट, ऑफर केवल कुछ चुनिंदा शहरों में होगा उपलब्ध। कोलकाता के हसपुकुर में रहने वाली एक सब्जी बेचने वाली माँ के बेटे ने किया उनका सपना पूरा, बनाया गाँव में अस्पताल। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IMS टुडे। धन्यवाद।